हेलो एवरीवन तो लेट अस कंटिन्यू विद सेकंड लेसन ऑफ डॉक्यूमेट्री तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वी विल फर्स्ट स्टडी द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ठीक है तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि बच्चों को बेसिकली पता होता है कि मैटर को हम ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते ओके तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज अब चाहे वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा हो या कोई फिजिकल चेंज हो रहा हो पर मैटर को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते पर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज या नेचर को चेंज कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि आइस थी तो अगर रूम टेम्परेचर पे आप आइस को रखते हो तो धीरे धीरे सारी की सारी आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तो अगर आपके पास 20 ग्राम आइस थी तो आपके पास 20 ग्राम ही वाटर आएगा पर चेंज क्या हुआ ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई तो उसकी जो फिजिकल स्टेट थी वो यहां पर चेंज हो रही है ठीक है सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि एच टू गैसेस प्लस हाफ ओ टू गैसेस ठीक है ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं एच टू ओ लिक्विड तो यहां पर अगर हम एच टू गैस लें दो ग्राम और साथ में जो हाफ ओ टू गैस तो ये हुआ सिक्सटीन ग्राम ठीक है तो ये मिला के टोटल बन जाएगा एटीन ग्राम तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट तो ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अब मान लो आपको मैंने पूछा कि एच टू प्लस सी एल टू गिव यू टू एच सी एल तो यहां पे अगर हमारे पास दो ग्राम हाइड्रोजन है ठीक है और हमारे पास यहां पर जनरेट हुआ दिस इज सेवेंटी थ्री ग्राम एच सी एल तो ये Cl2 टू कितना होना चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर प्रोडक्ट का मास सेवेंटी थ्री है तो रिएक्टेंट का भी सेवेंटी थ्री होना चाहिए तो टू ग्राम प्लस 71 वन ग्राम होगा सेवेंटी थ्री ठीक है अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये न्यूक्लियर रिएक्शन में वैलिड नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है According to the E is equal to MC square equation. So, you note down this. Next is the question 3.4 gram of AgNO3 in 100 gram water when mixed with 1.17 gram of NaCl in 100 gram water, 2.87 gram AgCl and 1.70 gram NaNO3 were obtained. Justify that. डेटा प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखो यहां पर हमारे पास 100 ग्राम वॉटर का मतलब वो हमारे पास है यहां पर ठीक है तो एक्व सोल्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं अब इसमें हमने लिया स्टार्टिंग में AgNO3 प्लस उसको मिक्स किया NaCl के साथ तो AgNO3 का जो मास था दर्ट इज थ्री ग्राम एन जो लिया ग्राम तो यहां पे आगे ये किस में कन्वर्ट हुआ AgNO3 NaCl बनता है AgCl सॉलिड NaNO3 ठीक है ये हो गया अब 2.87 ग्राम AgCl बना और 1.70 ग्राम NaNO3 तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप 3.4 1. वन सेवन को ऐड करते हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा ये फोर पॉइंट फाइव सेवन और टू पॉइंट एट सेवन और वन पॉइंट सेवन जीरो को भी ऐड करते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव सेवन ठीक है तो दोनों में हम बोलते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पर जस्टिफाई हो रहा है ठीक है प्रूव हो रहा है अब नेक्स्ट इज अ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन तो ये प्रॉस्ट ने दिया था 1799 में तो ये सिंपल सा लॉ है देखो ये जो सारे के सारे लॉज आपको याद नहीं करने हैं ये कॉमन सेंस से समझ आ जाते हैं ठीक है बस एक बार आपको देखना है इनकी डेफिनेशन पढ़नी है और जितनी इनमें हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम करेंगे उससे हमें ये क्लियर होता है कि एग्जेक्टली exactly कर कह रहे हैं हम यहां पे ठीक है देखो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि मान लो अगर हम किसी भी कंपाउंड की बात करें लेटर से आप पानी की बात करो तो पानी आपको कहां कहां से मिल सकता है आपको पानी रिवर से मिल सकता है किसी पॉन्ड से मिल सकता है ठीक है आपको किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर जनरेट हो रहा है वहां से मिल सकता है आप मार्केट से ले आओ टैप वाटर ले लो ग्राउंड वाटर ले लो कुछ भी ठीक है तो पानी के मिलने के तो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं पर पानी में हमेशा पानी का सोर्स कुछ भी हो कहीं से भी आप पानी लो पर उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी वो क्या होगी दो ग्राम हाइड्रोजन हमेशा सोलह ग्राम ऑक्सीजन से ही कंबाइन करके एटीन ग्राम एच टू ही बना रहा होगा मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो लें तो मास के अकॉर्डिंग टू इज टू सिक्सटीन या वन इज टू एट की है ठीक है पानी कहीं से भी लो सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं से भी लो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के जो कंबाइन करने की रेशियो है वो फिक्स है ऐसा है नहीं हो सकता कि कभी कभी कार्बन ज्यादा हो गया है ऑक्सीजन कम होगी तो यही लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन है तो इट स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑफ द सोर्स कि कहां से लिया गया है इट इज ऑपटेन फ्रॉम कंटेन सेम एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स होते हैं कंबाइनिंग इन डेफिनेट रेशियोज बाय मास ठीक है तो इतना पार्ट क्लियर आपको ठीक है अब इसके लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के हम एग्जाम्पल में एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया वाटर का सिमिलरली सिमिलरलीटर से अगर हम सीओ का एग्जाम्पल लें तो सीओ में कार्बन सॉलिड प्लस गैस तो कार्बन सॉलिड एक मोल कार्बन का मास कितना होगा बारह ग्राम और ओ का हो जाएगा सिक्स इन टू दैट इज थर्टी टू ग्राम तो ये कितना बनेगा फोर्टी फोर ग्राम सीओ टू तो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं ट्वेल्व टू थर्टी टू ठीक है अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो तो कितना हो जाएगा है? 3 2, देखो डिवाइड डिवाइड ऑफ ऑफ करेंगे करेंगे तो 3, 12, और और करेंगे, 8, तो और ये की रेशियो में मतलब तीन ग्राम कार्बन हमेशा आठ ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन कर रहा होगा अब इसकी एक्सेप्शन क्या आती है कहां पर ये लॉ फेल हो जाता है तो ये लॉ फेल हो जाता है जहां पर हमारे पास आइसोटोप्स आ जाते हैं ठीक है या हमारे पास नॉन स्टॉक्यूमेट्रिक कंपाउंड होते हैं फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप की बात करें तो वाटर में हमारे पास एच टू ओ सिक्सटीन वाला हो सकता है और एच टू ओ में ओ एटीन वाला हो सकता है तो ऑक्सीजन के दोनों आइसोटोप हो सकते हैं तो जब ओ सिक्सटीन वाला है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वन इंस टू एट की रेशियो में कंबाइन करते हैं पर जब ऑक्सीजन एटीन वाला है आइसोटोप तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वन इंस टू नाइन की रेशियो में कंबाइन करते हैं ठीक है फिर नॉन स्टॉक्यूमेट्रिक कंपाउंड देखो तो स्टॉक्यूमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं जैसे मैंने लिखा ना ए टू बी तो समझ आ रहा है कि दो एटम एक ए के एक, एक एटम बी के साथ कंबाइन कर रहे हैं पूरे होल नंबर होल नंबर है ना टू और वन पर मान लो जैसे कि एक हमने कंपाउंड यहां पर लिख लिया एफ जीरो पॉइंट नाइन फाइव ओ अब इसका मतलब कि पॉइंट नाइन फाइव एटम एक एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो होल नंबर तो नहीं है तो प्रॉपर स्टॉक्यूमेट्री फॉलो नहीं कर रहा है तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नॉन स्टॉक्योमेट्रिक कंपाउंड तो इनको हम अभी तो नहीं ज्यादा डिस्कस करेंगे ठीक है पर धीरे धीरे इस तरह के कंपाउंड भी हमने पढ़ने हैं ओके okay? तो आई थिंक आपको इतना बात क्लियर है अब इसके ऊपर करते हैं सिंपल सी प्रॉब्लम देखो द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑप्टेन बाय हीटिंग टू पॉइंट वन सिक्स ग्राम मटेलिक कॉपर विद नाइट्रिक एसिड एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन वॉज 2.7 ग्राम ठीक है तो पहले इतने को देखते क्या किया यहां पे मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर ऑक्साइड किससे बना आपने कॉपर को हीट किया नाइट्रिक एसिड से ठीक है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया अब वो Cu2O बना क्या बना तो उसमें बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होगा कॉपर और ऑक्सीजन ठीक है तो लेट अस से CuO बन रहा है तो यहां पे कॉपर देखो जो कॉपर ऑक्साइड बन रहा मास हो कॉपर ऑक्साइड दिस इज 2.7 ग्राम ओके और कॉपर आपने स्टार्टिंग में कितना लिया था 2.16 ग्राम कॉपर तो HNO3 को भी लिखने की जरूरत नहीं है बेसिकली आप कॉपर में एड क्या कर रहे हो ऑक्सीजन ठीक है ना तो अगर 2.16 ग्राम कॉपर लिया था ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद 2.7 हो गया तो ऑक्सीजन कितनी आई 2.7 माइनस टू पॉइंट वन सिक्स ठीक है इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं इन अनदर एक्सपेरिमेंट अब किसी और एक्सपेरिमेंट में 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड था 1.15 ग्राम इसकी हम रिडक्शन कर रहे हैं रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं बाहर तो उसके बाद ये दे रहा है 0.92 ग्राम कॉपर तो 0.92 ग्राम कॉपर दे रहा है प्लस बाकी की क्या होगी ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीजन कितनी आई वन पॉइंट वन फाइव माइनस जीरो पॉइंट नाइन टू ग्राम ठीक है अब ये बताना कि क्या ये जो डेटा है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे करता है या नहीं ठीक है तो वीडियो को पॉज करके एक बार ब्रीफली इस क्वेश्चन को देखो पढ़ो और फिर प्रूव करो कि यस ये, ये करता है या फिर नो ये नहीं करता ओके okay, तो अब आपने सॉल्व किया तो पहले केस में अगर हम देखें यहां पे तो हमारे पास जो कॉपर और ऑक्सीजन ठीक है हमारे पास दो केस हो जाएंगे तो कॉपर पहली बार आपके पास आ रहा है 2.16 ग्राम और ऑक्सीजन आ रहा है सॉल्व करके 0.54 ग्राम ठीक है अगली वाला ये वाला जो केस था यहां पर कॉपर दिया आपको 0.92 ग्राम और ऑक्सीजन आ रहा है सॉल्व करके यहां पे 0.23 ग्राम अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल रहा है कि कॉपर और ऑक्सीजन की कंबाइन करने की जो रेशो है वो सेम होनी है इट मीन पहली बार जो कंबाइन कर रहे हैं तो रेशियो होगी 2.16 पॉइंट वन सिक्स डिवाइड बाय जीरो और ये आता है फोर इज टू वन अगली बार जब ये कंबाइन कर रहे हैं आरिए जीरो पॉइंट नाइन टू डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू थ्री ये भी आता है फोर इज वन इसका मतलब हमेशा चार पार्ट कॉपर के होंगे या चार ग्राम कॉपर होगा तो एक ग्राम ऑक्सीजन होगा ठीक है तो दोनों केसेस में कॉपर और ऑक्सीजन की जो रेशियो हमने कैलकुलेट की वो बराबर आती है तो दैट प्रूव्स कि यस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यहां पर फॉलो हो रहा है अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस की ठीक है देखिए ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है सिंपल था तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में तो हम सिर्फ एक ही कंपाउंड को अलग अलग सोर्सेस से ले रहे हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं ठीक है लेटर से दो एलिमेंट्स हमारे पास हैं और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं पर एक ही चीज नहीं बनाते जैसे वॉटर में तो आपको क्या किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया तो सिर्फ वॉटर बना अब ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ एच बनाते हैं एच टू ओ टू भी तो बनाते हैं ठीक है तो जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हों तब अगर हम एक एलिमेंट के अमाउंट को फिक्स करके दूसरे को स्टडी करें तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे ना आपको कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी बिल्कुल नहीं आएगी क्लैरिटी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब क्या है इस डेफिनेशन का तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं ठीक है स्टडी करने के बाद आपको डेफिनेशन समझ आएगी अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो क्या क्या बन सकता है ठीक है ऑक्साइड ही बनेंगे नाइट्रोजन के तो एक बार बन गया आपका एन टू ओ ठीक है अगली बार बन गया हमारे पास एन NO, ओ फिर बन गया हमारे पास एन टू ओ थ्री फिर बन गया हमारे पास एन टू ओ फोर और फिर बन गया एन टू ओ फाइव तो ये पांच ऑक्साइड यहां पर बने अब देखो एन टू ओ में बेसिकली नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम ठीक है एन में क्या है नाइट्रोजन था 14 ग्राम और ऑक्सीजन थी 16 ग्राम पर अब हमने क्या करना है देखो या नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को फिक्स करो तो से सेम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं कि उसको 28 ग्राम ही लेंगे हम सब में तो अगर 14 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो उसको डबल कर दें तो ये 28 ग्राम हो जाएगा तो 16 ग्राम की जगह ऑक्सीजन आएगी 32 ग्राम ठीक है तो हम नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे 28 ग्राम पे एन में तो वैसे ही अट्ठाइस ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है फोर्टी ग्राम ठीक है फिर उसके बाद एन में फिर से ये अट्ठाइस ग्राम है और ऑक्सीजन यहाँ पे है सिक्सटी फोर ग्राम और एन टू ओ फाइव में 28 और दिस इज एटी ग्राम तो नाइट्रोजन को तुमने फिक्स कर दिया ना ट्वेंटी एट फिक्स कर दिया तो एक एलिमेंट को फिक्स करना है अब यहां पर आप ऑक्सीजन को भी करके एक बार ट्राई कर सकते हो तो नाइट्रोजन को जो आपने फिक्स किया उसके बाद देखो ऑक्सीजन जो आई अलग अलग कंपाउंड में एक बार सोलह फिर बत्तीस फिर अड़तालीस फिर चौसठ फिर अस्सी तो इसका मतलब हुआ कि रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन तो 28 ग्राम नाइट्रोजन से कंबाइन करने वाली जो ऑक्सीजन आ रही है वो कितनी कितनी आ रही है एक बार 16 आ रही है एक बार 32 आ रही है फिर 48 फिर 64 फिर 80 तो उसको सिंप्लीफाई कर दें तो आया वन इज टू टू इज टू थ्री इज टू फोर इज टू फाइव तो मतलब ऑक्सीजन जो वो सिंपल होल नंबर रेशो में आई ना यही लॉ था ठीक है लॉ क्या बोलता है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो से ज्यादा कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट का जो फिक्स अमाउंट है वो दूसरे के जिस अमाउंट से रिएक्ट कर रहा है वो होल नंबर रेशियो में आते हैं मतलब नाइट्रोजन का जो फिक्स अमाउंट है वो ऑक्सीजन के जिन अमाउंट से कंबाइन करता है वो अमाउंट आपस में होल नंबर रेशियो में आ रहे हैं ठीक है तो समझ आ गया तो अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हो ठीक है यहां भी कर दिया अब सिमिलरली मान लो इसमें एक और हम आपको ऑप्शन देता हूं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं तो हम अगर कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो एक बार सीओ टू बना रहे हैं ठीक है जस्ट हम तो एक बार ये CO बना सकते हैं और एक बार CO2 टू बना सकते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन तो देखो सी ओ में कार्बन कितना है बारह ग्राम ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम और सी ओ टू में भी है बारह ग्राम और ऑक्सीजन है बत्तीस ग्राम तो कार्बन को अगर आप फिक्स कर दो तो ऑक्सीजन क्या आ रही है सिक्सटीन इंस टू थर्टी टू दैट इज वन इंस टू टू के रेशियो में ठीक है अब ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकते थे देखो अगर यहाँ सिक्सटीन ग्राम है और ये बत्तीस है तो बत्तीस को हाफ कर दो तो ये क्या हो जाएगा सिक्सटीन तो ये बारह वाला भी सिक्स हो जाएगा तो ऑक्सीजन को अगर आपने सोलह ग्राम पे फिक्स कर दिया तो कार्बन कितना आ रहा है एक बार बारह आ, बार आ रहा है और एक बार आ रहा है दैट इज ट्वेल्व इज टू सिक्स का मतलब वो टू इज टू वन तो वो भी होल नंबर रेशियो में आ रहा है ठीक है तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं इन लॉ को अब यहां पर आ आगे क्वेश्चन नंबर थ्री तो आपको वीडियो पॉज करके पहले ये अपने आप दो मिनट ट्राई करना है ठीक है तो ए और बी यहां पर कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कंपाउंड बना रहे हैं पी क्यू आर और एस तो ये जो डेटा दिया हुआ है आपको प्रूव करना है कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे हम दो टेबल्स बना लेते हैं वेट ऑफ ए और इस तरफ आ जाएगा वेट ऑफ बी ए का कितना था पहले क्या पॉइंट सिक्स पॉइंट एट से कर रहा है तो मान लो पॉइंट सिक्स को छ ले लेते हैं छ ग्राम और पॉइंट एट को ले लेते हैं आठ ग्राम अगली बार नौ ग्राम है इसका ठीक है तो नौ ग्राम कितने से कंबाइन कर रहा है बी के चौबीस ग्राम से अगर हम ए को फिक्स करना हो ठीक है छ ग्राम पे फिक्स कर दे मान लो तो अगर नौ ग्राम चौबीस से कंबाइन करेगा तो छे ग्राम कितने से कंबाइन करेगा ट इज सोलह ग्राम से ठीक है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो ना नौ का टू थर्ड हो गया सिक्स और चौबीस का टू थर्ड हो गया सिक्सटीन अगली बार चालीस ग्राम था तो चालीस ग्राम ए कंबाइन कर रहे हैं हमारे एक सौ साठ ग्राम बी के साथ तो ग्राम कितने से करेगा इसको कैलकुलेट करोगे याद आएगा यहाँ पे चौबीस ग्राम अगली बार अठारह ग्राम है ठीक है, अठारह ग्राम कंबाइन कर रहा है 93.6 थ्री पॉइंट सिक्स ग्राम से तो छह ग्राम तो अठारह से 6 का मतलब वो one third. तो का one third हो गया, ग्राम तो हमने ए को यहां पर फिक्स कर दिया ग्राम पे तो देखो तो बी की वैल्यू क्या आ रही है आठ सोलह चौबीस बत्तीस दैट इज वन इज टू टू इज टू थ्री इज टू फोर तो यस yes. ठीक है तुम तो यहां लिख लेंगे रेशियो ऑफ और इस तरह के क्वेश्चन आपको सिर्फ स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं ठीक है तो रेशियो ऑफ वेट ऑफ बी कंबाइनिंग विद फिक्स्ड मास ऑफ ए कॉम्पिटिटिव में इस तरह के क्वेश्चन आने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता बहुत बेसिक लेवल है ये ठीक है ये तो आप जैसे भी स्टार्ट कर रहे हो तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिक समझने के लिए अदरवाइज ये सारा का सारा कॉमन सेंस है ठीक है जैसे आप समझते जाओगे चीजों को तो ये हो गया अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ठीक है तो लॉ ऑफ रेसिपोल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं ए बी और सी वो कंबाइन करके मान लो तीन कंपाउंड बनाते हैं ए बी बी सी और ए सी तब उनकी रेशियोज को आपस में हम रिलेट कर सकते हैं कि एक का फिक्स मास दूसरे के कितने कितने मासिक कंबाइन कर रहा है तो लॉ लॉफ द प्रोपोर्शन लेक्चर ठीक है तब तक तो आप आप अपनी बुक्स में एक बार इसकी बेसिक जो तो थ्योरी है थोड़ा सा और एक आध सॉल्ड एग्जाम्पल इसके ऊपर देख लोगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा ठीक है तो सी इन द नेक्स्ट लेसन थैंक यू हैव अ नाइस डे